हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सभी के लिए अल्लाह में उम्मीद उठी। तो आज हम इस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। क्योंकि मैं इस वीडियो काफ़ी दिन से वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे इस वीडियो पे अपना रिएक्शन देना था और मुझे भी जानना था, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैं जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, हमेशा मेरा यही होता है कि मैं आप लोगों के साथ ही वीडियो देखूँ और अपना रिएक्शन दूँ। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले वो है विराट कोहली के लाइफ स्टाइल पे, उनका घर, उनकी गाड़ी, उनकी इनकम जितनी भी है, जो कुछ भी है इस वीडियो के अंदर होने वाला है वो सारा फुल पैकेज। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और जानते विराट कोहली की जिंदगी के बारे में, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत पता होता है लेकिन ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं होती। तो इसी वजह से मैंने इस वीडियो पे अपना रिएक्शन दे रहा था, मुझे भी जानना था। तो अभी हम लोग जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर कोहली के लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में, और जानने के लिए जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनको शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर आप विराट कोहली के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। इनका रियल नेम है विराट कोहली और निक नेम से इनको चीकू एंड रन मशीन। प्रोफेशन से इंडियन एंड बैट्समैन है। इनका जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ था, और 2023 के हिसाब से आज इनकी एज है। ये नेशनलिटी से इंडियन है और हिंदू है। विराट ने अपने स्कूल की पढ़ाई विशाल भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली से की, और साथ ही अपने आगे की पढ़ाई सेवियर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पश्चिम बिहार न्यू दिल्ली से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने 12th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई की हुई है। विराट का जन्म दिल्ली में हुआ था। बचपन में ही विराट को क्रिकेट खेलने का शौक था। इनका क्रिकेट की ओर बढ़ता इंटरेस्ट देखते हुए जब ये 9.5 साल के थे तो इनके फादर ने उन्हें राजकुमार शर्मा वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी में इनका एडमिशन करा दिया। वहीं से ही इन्होंने अपने क्रिकेट की ट्रेनिंग पूरी की, और इनके कोच एंड मेंटर राजकुमार शर्मा थे। कैरियर, कोहली ने 2006 में अपना फर्स्ट क्लास कैटेगरी क्रिकेट कैरियर में शुरुआत करने से पहले लाइब्रेरियन एज ग्रुप के लेवल सिटी क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया। साल 2006 में इनके फादर की ब्रेन स्ट्रोक की वजह से डेथ हो गई, पर पिता की डेथ के अगले दिन इन्होंने कर्नाटका के खिलाफ दिल्ली के लिए मैच बचाने वाली बारी खेली जिसमें उन्होंने 90 रन बनाए। उन्होंने 2008 में मलेशिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, और उसके कुछ ही समय बाद 18 अगस्त 2018 ODI में डेब्यू किया श्रीलंका। उस समय भारत ने श्रीलंका के खिलाफ भारत की पहली ODI जीत हासिल की थी। वहीं इन्होंने T20 में डेब्यू किया था 12 जून 2010 को जिम्बाब्वे के खिलाफ, और इसके साथ साथ इन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया था 20 जून 2011 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और विराट का जर्सी नंबर 18 है। विराट IPL में रॉयल चैलेंजर्स के साथ खेलते हैं, और विराट को सचिन तेंदुलकर की तरह ही माना जाता है। तो दोस्तों, हमें कॉमेंट करके बताना की आपको विराट कोहली कैसे लगते हैं। रिकॉर्ड, विराट फर्स्ट ऐसे पर्सन है जिन्होंने वर्ल्ड कप में डेब्यू के समय सेंचुरी मारी थी, और थर्ड ऐसे इंडियन है जिन्होंने सेकंड ODI में 100 किया था केवल 22 साल की उम्र में। अवार्ड्स, इनको डिफरेंट टाइप के अवार्ड्स मिले हैं जिनके नाम है अर्जुना अवार्ड साल 2013 में, इसके बाद इन्हें 2017 में पद्मश्री अवार्ड मिला, और ये फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के, और 25 दिसंबर 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया। फैमिली, इनके पिता का नाम है लेट प्रेम कोहली जो प्रोफेशन से क्रिमिनल लॉयर थे। इनकी माँ का नाम है सरोज कोहली जो प्रोफेशन से हाउसवाइफ है। इनकी बहन का नाम है भावना कोहली, और इनके ब्रदर भी हैं जिनका नाम है विकास कोहली। इनकी वाइफ को नहीं है, उनका नाम है अनुष्का शर्मा, और इनकी बेटी भी है जिसका नाम है वामिका कोहली। इनकम, हम आपको बता दें कि इनको रिटेलर फीस मिलती है 7 करोड़ रुपए, और एक टेस्ट की फीस मिलती है 15 लाख रुपए, साथ ही ODI की फीस मिलती है लगभग 6 लाख रुपए, और एक T20 की फीस मिलती है लगभग 3 लाख रुपए, और साथ ही साथ ये IPL से भी 17 से 18 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं, और इसके अलावा ये कई ब्रांड्स को भी इंडोर्स करते हैं जिसकी वजह से इनकी बहुत ज्यादा इनकम हो जाती है। और अगर बात करें नेटवर्थ की तो 2023 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ है 1010 करोड़ रुपए। हाउस, दोस्तों ये और इनकी वाइफ अभी मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में है, और इनका एक अपना घर दिल्ली में भी है।
और इनका एक बड़ा सा बैंगलो गुड़गांव में भी है। इनके घर की कुछ झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार कलेक्शन, हम आपको बता दें कि इनको लग्जूरियस कार रखने का काफी शौक है। इनके पास फर्स्ट कार है ऑडी की Q7, इनके पास सेकंड कार है ऑडी A6, और थर्ड कार है ऑडी की R8 V10, और फोर्थ कार है ऑडी R8 LMX, और फिफ्थ कार है ऑडी LMX, और इनकी आखिरी कार है टोयोटा फॉर्चुनर। इसी के साथ इनके पास एक बेंटले कॉन्टिनेंटल GT भी है। तो दोस्तों, ये थी विराट कोहली की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको विराट कोहली कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट मुझे वीडियो आप कौन से जरूर क्रिकेटर बताइए का हम विराट कमेंट कोहली कैसे करेंगे। लगते और हैं। अगर तो वीडियो हो चुकी है हमारी, तो वीडियो देख के बहुत ज्यादा मजा आया। और जैसे मैंने बताया, मैं विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो जैसे इस वीडियो में मैंने देखा, लेकिन इस वीडियो में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी दी गई। जैसे उनकी एज बताई 37, लेकिन 37 नहीं है, 34 है उनकी एज जितना मैं जानती हूँ। और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं गलत तो नहीं हूँ। और दूसरी बात, जैसे इस वीडियो में उन लोगों की विराट कोहली इनकम के बारे में बताया गया और भी काफी चीज़ों के बारे में बताया गया, तो मैं उनकी जैसी इनकम बताई ही हार्ट में मानती हूँ। उनके बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं, और जैसे उनके रेस्टोरेंट भी हैं, लेकिन वो इस वीडियो में मेंशन नहीं था किया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस वीडियो में मेंशन नहीं की, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है, जिस वजह से मैं बता रही हूँ। उनके काफ़ी रेस्टोरेंट भी हैं, उनके ब्रांड्स भी हैं, जैसे उनकी इनकम बताई ही, शायद मे भी उनकी इनकम इससे भी ज़्यादा है। तो जैसे इस वीडियो में प्रॉपर नहीं बताया गया, और जैसे उनका घर बताया है, वो दिल्ली में उनका घर है, मुंबई में भी है, गढ़गांव में भी उनका एक घर है बहुत सारा प्रिटी। और जैसे उनकी वाइफ को और नहीं जाता, उनकी वाइफ अनुष्का जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। जैसे उनकी फैमिली के बारे में बताया गया, उनके जो फादर थे वो लॉयर थे, और जो उनकी मदर है वो हाउस वाइफ है, और उनकी बहन है, भाई भी है, मतलब छोटी सी फैमिली है माशाल्लाह। और जैसे इस वीडियो में मैंने देखा उनके टेस्ट मैच और सारी चीज़ें मैंने देखी, लेकिन जितना भी उस बंदे ने अपना नाम बनाया, आज वो जिस मुकाम पे भी है, सारा उसका हार्डवर्क है, उसने अपने हार्डवर्क के ही बेस पे अपनी इतनी ज़्यादा अपनी इज्जत बनाई, इतना नाम बनाया, आज उसके पास सब कुछ है। जैसे उनकी पढ़ाई के बारे में बात की है इस वीडियो में, तो वो सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक ही पढ़े, तो सीरियसली बहुत कम पढ़ाई होती है, लेकिन उस बंदे ने अपना नाम बनाया, इतना सारा हार्डवर्क दिखाया, अपना नाम बनाया पूरे देश में, पूरे देश में नहीं, हर मतलब ऐसा कोई कंट्री नहीं होगा जो विराट कोहली को नहीं जानता। जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो सब विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें जानते हैं। और दूसरी बात, जैसे उन्होंने पढ़ाई के बारे में बताई, उन्होंने सारी जितनी भी पढ़ाई की है 12th स्टैंडर्ड सारी दिल्ली से की है। अभी कुछ ही टाइम पहले आप सबको बताइए, विराट कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा, जो बहुत ही बड़ी बात है, और उनको भी सचिन ही बोला जाता है, कुछ लोग उन्हें बोलते हैं। और जैसे इस वीडियो में इतना यूट नाम, मतलब उन्हें जो उनके निक नेम में रन मशीन और चीकू, जो उनको बहुत निक नेम दिए ये प्यारे, और सीरियसली मुझे नहीं था पता इन निक नेम्स के बारे में इस वीडियो में। चलो एक फायदा हुआ इस वीडियो को देखने के बाद, मुझे उनके निक नेम पता चले जो मुझे नहीं थे पता, और बहुत ही क्यूट नेम है। और जैसे वीडियो में बताया है कि उनको मतलब गाड़ियों का काफ़ी शौक है, उनके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी, और फॉर्चुनर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो भी उनके पास है, और बंदा डिजर्व भी करता है यार। मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया, आई होप सो मेरी वीडियो पसंद आई हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, अभी के लिए बाय बाय।